टोकरी इधर लाओ। अभी आई मम्मी। ये लो बेटा, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर घर का भी काम करना है। अरे हाँ भाई, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, बस एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। ठीक है ठीक है। हाँ मैंने मैनेजर को बोल दिया है, वो काम कर देगा। हाँ जल्द हो जाएगा। ठीक। सुनो कांता, होली का समय है, यहाँ की सफाई ना अच्छे तरीके से कर देना, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है मालिक, सफाई तो मैं अच्छे तरीके से ही करूंगी, और मैंने पौधों को भी पानी लगा दिया है। और हाँ सुनो कांता भाई, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। सुनो साहब जी। हाँ बोलो कांता, क्या बात है? साहब जी कल होली है तो मुझे कुछ पैसे दे जाते, बच्चों के लिए रंग और घर का कुछ सामान लेकर आना है मुझे। अच्छा ठीक है कांता भाई। ये लो। साहब ये पैसे तो बहुत ज्यादा कम है, इसमें तो बच्चों के सिर्फ रंग ही आ पाएंगे, और मुझे तो घर का सामान भी लाना है, मुझे कुछ पैसे और दे दीजिए। सुनो कांता भाई, मैंने तुम्हारी मजदूरी के पैसे दे दिए, और भी मजदूर हैं, मुझे उन्हें भी पैसे देने हैं। साहब अभी तुम मुझे एडवांस में कुछ पैसे और दे दीजिए, तुम चाहो तो मेरी अगली पगार में से काट लेना। सुनो कांता, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें इन्हीं पैसों से काम चलाना होगा, चाहे आप काम पर आओ या मत आओ। चलो बच्चों, ये सामान अब एक साइड रख दो, हम घर चलते हैं, क्योंकि हमें होली का सामान भी लेकर आना है। लाइए मुझे। किशन यार, मुझे लगता है आज तो कोई कबूतरी आ रही है। हाँ यार चुप जा चुप। मम्मी मैं तो बाजार से पिचकारी लूंगा। बेटे पैसे कुछ कम है तो इस बार पिचकारी नहीं रंग से ही काम चला लेना। नहीं मम्मी मुझे तो पिचकारी चाहिए। बेटा ज्यादा जिद मत करो, तुम्हारी छोटी बहन है ना, देखो वो कुछ नहीं मांग रही है। बेटा घर का सामान भी बहुत सारा आना है, जल्दी जल्दी चलो, घर की साफ सफाई भी करनी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम साफ सफाई भी कर लें। चलो अब जल्दी से। ओए जितना भी तेरे पास माल है ना वो हमें दे दे। भैया तुम कौन लोगो, और मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद एक गरीब औरत हूँ। ओए ज्यादा गरीब बनने का नाटक मत कर, वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। जो भी तेरे पास है वो निकाल के दे। प्लीज भैया हमें छोड़ दो, हमारे पास सच में कुछ नहीं है देने के लिए, हमें जाने दो। ओए ज्यादा नाटक मत कर, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। भैया मैं तुम्हें क्या दे दूँ, मेरे पास तो खुद होली के सामान के लिए पैसे नहीं है। ओए किशन ये ऐसे नहीं मानेगी, उड़ा दे इसके बेटे की खोपड़ी। रुको भैया रुको, ऐसा मत करो,
छोड़ दो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं देती हूँ। ये लो, मेरे बेटे को जाने दो। वो किसान चल हो गया अपना काम। चलो बच्चों जल्दी चलो। सुनो मैनेजर, कंपनी के जितने भी वर्कर काम करने वाले हैं उनकी सैलरी बांट देना, क्योंकि होली आने वाली है। ठीक है सर, मैं आज शाम को सारे लोगों के पैसे बांट दूंगा। चलो बच्चे जल्दी। मालिक मालिक मेरी मदद करो मालिक। क्या हुआ कांता, इतनी क्यों घबरा रही हो? मालिक आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना, मैं वो पैसे लेकर सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी और फिर रास्ते में वो पैसे मुझसे गुंडों ने छीन लिए। मालिक कल होली का त्योहार है और मेरे ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं, मेरा तो इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, एक आप ही हो मालिक, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मालिक ये औरत झूठ बोल रही है, इसके पैसे दिन दहाड़े कौन छीन सकता है? हाँ मैनेजर तुम ठीक कह रहे हो, एक घंटे पहले मैंने इसको पैसे दिए थे, ये औरत कुछ ना कुछ जाल बिछा रही है। नहीं मालिक मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई जाल नहीं बिछा रही, मेरा यकीन कीजिए। चुप कर, मुझे ये तेरी दोपहर कहानी नहीं सुननी है, तूने मेरी सारी मीटिंग खराब कर दी, निकल यहाँ से। मालिक ऐसा मत बोलो, मुझ गरीब पर रहम खाओ, मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ, कल होली है मेरी कुछ मदद कर दो मालिक। मुझे नहीं देना तुझे एक फूटी कोड़े भी, चल निकल यहाँ से, और हाँ कल से काम पर मत आना, चल निकल जा चुपचाप यहाँ से। कैसे खेलेंगे? हाँ मम्मी भैया सही कह रहा है, भैया के साथ मुझे भी खेलना है। मेरे बच्चों तुम चिंता मत करो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, चलो। क्योंकि बेटा भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा और हम होली कल जरूर मनाएंगे, चलो। सरदार आज तो मेरे हाथ बहुत बड़ा माल लग गया, ये देखो। अरे कालिया आज तो तूने सरदार खुश कर दिया रे। अरे मान गए कालिया तुझे। हाँ रे तुम क्या लेके आए रे? सरदार एक औरत जा रही थी उसके पास यही 1,000 रुपए निकले थे। क्या रे तुम्हें वो लाचार औरत ही मिली थी पैसा लूटने के लिए हैं? इस देख कालिया की तरफ, इसने कितना पैसा लूटा है? सरदार हमने उसको इस वजह से लूटा कि उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन उस पर यही 1,000 पैसे निकले। और सरदार वो ये बोल रही थी कि मैं होली का सामान लाऊंगी, मैंने इससे मना भी किया था कि इसके पैसे मत ले, लेकिन ये नहीं माना। क्यों रे ये गुल्ला क्या कह रहा है, है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई है? उस लाचार औरत की होली भी नहीं होने दी तूने? मैं सरदार हूँ याद रख, उस औरत का पता लगा और उसके घर ये सारे पैसे पहुंचाने हैं। अगर पता नहीं लगाया तूने तो सुन, तेरी खाल कड़ाकर उसमें भुस भरवा देगा ये सरदार, याद रखना। ठीक है सरदार अभी जाता हूँ, वो कहाँ पर रहती है पता लगा। क्यों रे गुल्ला तूने सरदार से झूठ क्यों बोला और झूठ बोलकर मुझे पिटवा दिया? ओ सुन अगर मैं सरदार से झूठ नहीं बोलता ना तो सरदार हम दोनों को खत्म कर देता। अरे दोनों ही तो पिटते, गुल्ला तूने मुझे अकेले को क्यों पिटवाया? ओ सुन अब ज्यादा फालतू बात मत कर, चल चल कर उस औरत का पता लगाते हैं।
मालिक ने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, अब वही कुछ करेंगे। वही औरत ही है, चल चुपचाप वापस हो ले, कहीं ये देख ना ले हमें। सरदार, सरदार, हमने उस औरत का पता लगा लिया, वो इसी रामपुर वाले गांव में रहती है और उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी है और वो ज्यादा ही दुखी है। क्या बुल्ला, वो औरत बहुत दुखी है? चलो हम उस औरत की मदद करेंगे। सरदार रुको, अरे सरदार रुको, पुलिस ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम लगाया है और किसी को पता चल गया तो? अरे पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम सरदार हैं सरदार, हम उस औरत की मदद जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। क्या रे बोला, यही घर है वो, औरत तो दिखाई नहीं दे रही है। सरदार यही घर है वो औरत अंदर होगी। यहाँ पे लेने, तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। देखो इन बच्चों की तरफ, इन दोनों की क्या हालत हो गई। तुम्हारी वजह से इस बार की हम होली भी नहीं मना पाएंगे। नहीं नहीं बहन, इतना नाराज मत हो, कोई आवाज सुन लेगा। हम छुप कर तो वैसे ही आएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था जो मेरे आदमियों ने किया, उसके लिए मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। बहन मैं आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब क्या माफ करूं मैं तुम लोगों को, तुम्हारी वजह से सब कुछ तो बर्बाद हो गया, चले जाओ यहाँ से। बहन अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ है तुम्हारा, फिर से तुम्हारे घर में खुशी आएंगी। मैं जो कहता हूँ वैसे करो, हम डाकू बेशक हैं लेकिन ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं, कभी किसी गरीब को नहीं सताते हैं। बहन ये लो मेरी छोटी सी भेंट है तुम्हारे लिए। बहन हम छुप कर तो आए हैं और एक बात याद रखना, कभी किसी को बताना मत, क्योंकि पुलिस का वैसे ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, और जब कभी भी तुझे जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, हम जरूर हाजिर होंगे तेरे पास। बस मेरा यही आशीर्वाद है, तू खुश रहे। और बेटा देखो अब मनाएंगे हम अच्छे से होली, कितने सारे पैसे हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी जरूर सुनेगा। मम्मी अब तो मुझे पिचकारी लाकर दोगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए पिचकारी लाकर दूंगी।